नाज़रीन, वैसे तो हम सब मुसलमान हैं और हमें सब ही नमाज़ें आनी चाहिए, लेकिन हम अपनी बदबख्ती समझे या बदकिस्मती कि हम दुनियादारी के कामों में ऐसे मसरूफ़ हुए हैं कि रब को भूल ही गए हैं। आज हम आपको ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने का तरीका बताएंगे। चूँकि ये साल बाद आती है, इसलिए अक्सर लोग इस नमाज को पढ़ना भूल जाते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप नियत करें। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल फितर की 6 जायद तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इमाम के मुँह मेरा खाने काबा शरीफ की तरफ। अब इमाम साहब तकबीर कहकर हाथ बांध कर सना पढ़ेगा और हमें भी तकबीर कहकर हाथ बांध लेने हैं और सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद 3 जायद तकबीरें होंगी। जब इमाम साहब पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं, यानी बांधने नहीं हैं बल्कि खुले छोड़ देने हैं। फिर इमाम दूसरी तकबीर कहेगा, आपने फिर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं। फिर इमाम तीसरी तकबीर कहेगा तो आपने हाथ कानों तक उठाकर बांध लेने हैं, यानी खुले नहीं छोड़ने। इसके बाद इमाम किरात करेगा और फिर रुकू और सजदा करके पहली रकत मुकम्मल हो जाएगी। पहली रकत मुकम्मल होने के बाद दूसरी रकत के लिए उठते ही इमाम किरात करेगा। अब इसके बाद रुकू में जाने से पहले फिर इमाम साहब 3 जायद तकबीरें कहेंगे। पहली तकबीर कहकर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं, दूसरी तकबीर कहकर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं, तीसरी तकबीर कहकर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं। यहाँ जो जायद 6 तकबीरें थीं वो मुकम्मल हो जाएंगी। और इसके बाद जब इमाम चौथी मरतबा अल्लाहु अकबर कहेगा तो आपने बग़ैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाना है। इससे बाद की नमाज दूसरी नमाजों की तरह ही पढ़नी है, यानी तशहुद के बाद इमाम साहब के साथ सलाम फेर कर नमाज मुकम्मल कर लेनी है। नाज़रीन, यह नमाज सिर्फ 6 जायद तकबीरों के अलावा बिल्कुल दूसरी नमाजों की तरह ही अदा करनी है। 3 तकबीरें पहली रकात में सना के बाद और फिर 3 तकबीरें दूसरी रकात में रुकू में जाने से पहले। नमाज के बाद दुआ मांगें, क्योंकि रोज़ों के बाद ये दुआ कभी रद्द नहीं होती।